डियर स्टूडेंट आरसीआई एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया था यौगिकों के अंदर सिग्मा एवं पाई बंधों का कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं। उसके बाद में आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका जो संरचनात्मक जो निरूपण है वो किस प्रकार से करते हैं। देखेंगे टॉपिक के अंदर देखिए कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, तो डियर स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका जो संरचनात्मक जो निरूपण है वो तीन प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण कितने प्रकार से करेंगे, तीन प्रकार से। कौन कौन से? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, दूसरा संघनित सूत्र, तीसरा होता है आबंध रेखीय सूत्र। तो यानी तीन प्रकार में पहले पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के द्वारा किस प्रकार करते हैं, संघनित सूत्र के द्वारा किस प्रकार करते हैं और आबंध रेखीय सूत्र के द्वारा किस प्रकार करते हैं। तो यहां से देखें कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, इनका निरूपण तीन प्रकार से किया जाता है, तीन प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का जो संरचनात्मक निरूपण है वो कितने प्रकार से किया जाता है, तीन प्रकार से। कौन कौन से तीन प्रकार पढ़ेंगे यहां से? पहला पढ़ेंगे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। नंबर टू पे बात करेंगे संघनित संरचनात्मक सूत्र। नंबर थर्ड पे बात करेंगे यहां पे आबंध रेखा सूत्र। कार्बनिक यौगिकों का जो निरूपण है संरचनात्मक निरूपण है वो कितने प्रकार से करेंगे, तीन प्रकार से। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, संघनित संरचनात्मक सूत्र और आबंध रेखा सूत्र। अब मैं पहली बात कर लेता हूं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, फर्स्ट में बात करूं यहां से पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। होता क्या है डियर स्टूडेंट इसमें कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो संरचना सूत्र है उसमें उपस्थित सभी जो सिग्मा बंध है उनको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात ये कह दे यहां पे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक का जो संरचनात्मक सूत्र है उसमें टोटल जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उपस्थित है उसको क्लियर दिखाना, पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना, वो ही क्या कहलाता है, आपका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। और यदि कार्बनिक यौगिक में लोन पेयर उपस्थित है तो उस लोन पेयर को किसके रूप में दर्शाया जाएगा, भाई इस प्रकार से लोन पेयर को डॉट के रूप में इस प्रकार से दर्शा दिया जाएगा, लोन पेयर एन के। तो डियर स्टूडेंट यहां से देखिए पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सभी जो सिग्मा बंध है, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल के रूप में यहां से लिखा C2H6 है, ये वाला C2H6 लिखो मैंने यहां से, दूसरा मैंने लिखा यहां पे C2H4 है, C4H10। तो यानी ये कंपाउंड्स है, ये कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक के अंदर जितने भी सिग्मा बॉन्ड है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको भाई ये कार्बन कितने आप दो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, यहां से चार बॉन्ड बना। अब सभी फिर क्या यहां पे जुड़ा हुआ है H, यहां पे H, ये H, ये H और ये, इसका मतलब यहां पे एथेन था आपका एग्जांपल एथेन। इस एथेन के जो सभी सिग्मा बॉन्ड है उनको मैंने क्लियर पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर दिया, इस प्रकार का जो सूत्र है वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। क्लियर है?
इसी प्रकार से यहाँ पे C2H4 है, यहाँ से देखो 1 और ये क्या है आपका 2, H यहाँ पे C2H4 डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H और ये H, तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जांपल क्या था आपका एथीन, इसको मैंने कंप्लीट इस प्रकार से यानी कि इसके जो सिग्मा बंध है इसको पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है, तो इसका मतलब ये कैसा आबंध कहलाएगा, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एच एच, यहाँ पे एच एच और ये वाला एच, यानी सभी हाइड्रोजन देखो कार्बन 4 है और 10 हाइड्रोजन उनके लिए सभी हाइड्रोजन परमाणु के मध्य उपस्थित जो सिग्मा बॉन्ड है उनको पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है, तो कैसा सूत्र कहलाएगा ये, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। क्लियर है डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से मैंने नेक्स्ट एग्जांपल C2H5OH एथिल एल्कोहल कह सकता हूं, यहां पे एथिल एल्कोहल ये क्या आपका ब्यूटेन है, एथिल है, एथिल है, ब्यूटेन है, एथिल एल्कोहल। अब मैंने एथिल एल्कोहल, अब देखो इस एथिल एल्कोहल को मैंने कैसे लिखा, यहां पे 1 2 O, यहां पे H, अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, फिर यहां पे H, ये वाला H, ये वाला H, ये है, और मैंने एक ऑप्शन बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर लॉन पेयर उपस्थित है, देखो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, दो तो यहां पे क्या है बॉन्ड पेयर, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है दो लोन पेयर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर होता है, तो यानी कि लोन पेयर है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे प्रदर्शित, तो ये भी क्या कहलाएगा इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्लियर है, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर उपस्थित जो सभी सिग्मा बॉन्ड है उनको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसी प्रकार से नंबर 2 पे बात कर रहे हैं संघनित संरचनात्मक सूत्र, संघनित संरचनात्मक सूत्र, इसमें डियर स्टूडेंट होता क्या है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो परमाणु या समूह है उनको प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन उन परमाणु के मध्य जो एकल बंध है उनको नहीं दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार का जो सूत्र होता है वो कहलाता है आपका संघनित संरचनात्मक सूत्र। यानी कि कार्बनिक कह सकता हूं मैं कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र में कुछ सिग्मा बंधों को तो दर्शा दिया जाए और कुछ सिग्मा बंधों को क्या कर दिया जाए छुपा दिया जाए, तो बनने वाले जो सूत्र है वो क्या कहलाते हैं आपके संघनित संरचनात्मक सूत्र कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल की बात की, यहां से आपके पास यहां पे देखो एथेन है, एथेन, दूसरा मैंने लिखा यहां पे प्रोपेन है, एथिल एल्कोहल है, एक तो तरीका क्या था इनको इस प्रकार से लिखा, मैंने एथेन को इस प्रकार से लिखा यहां पे CH3 और ये क्या है आपका CH3, भाई एथेन का मतलब वही C2H6 है, देखो C2H6 हाइड्रोजन C2H6, तो यानी कि इस यौगिक के अंदर जो उपस्थित सिग्मा बॉन्ड है इनको मैं पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, देखो क्या है कि मैंने यहां पे सिग्मा बॉन्ड को क्लियर नहीं दर्शा रहा हूं, कैसा सूत्र कहलाएगा आपका संघनित संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा। ऐसे यानी कि C2H6 से इसको मैंने किस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहां पे C3H8 होता है प्रोपेन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पे देखो CH3 लिखा मैंने यहां पे CH2 और ये क्या है आपका CH, इस प्रकार से लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका संघनित संरचनात्मक सूत्र, कैसे सूत्र कहलाएंगे संघनित संरचनात्मक सूत्र, ये भी क्या कहलाएगा संघनित संरचनात्मक सूत्र। ऐसे ही आपका एथिल एल्कोहल वही आपका C2H5OH, यानी कैसे लिख दूं इसको मैं C2H5OH को, मैंने लिखा CH3 यहां पे CH2 ये क्या है आपका OH, इस प्रकार मैंने कोई भी सिग्मा बॉन्ड स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया, तो इस स्थिति को बोलते हैं आपको उनको संघनित कैसा फॉर्मूला बने बनेगा ये संघनित संरचना सूत्र। क्लियर है डियर स्टूडेंट। और तीसरी बात करते हैं यहां से आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट कि कार्बनिक यौगिक का जो संरचनात्मक सूत्र है उसको टेढ़ी मेढ़ी
रेखा के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जिगजैग लाइन के रूप में यदि दर्शाया जाता है तो इस प्रकार का जो संरचना सूत्र है वो क्या कहलाता है, आबंध रेखीय सूत्र कहलाता है। यानी कि कह सकता हूँ कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र को टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, आबंध रेखा सूत्र कहलाता है। और लाइन का किनारा जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करता है, काटता है, वहां पर कार्बन परमाणु की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसमें लंबी श्रृंखला वाले एवं चक्रीय यौगिक जो होते हैं उनको आबंध रेखा सूत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा ब्यूट टू इन, एग्जांपल के रूप में लिखा मैंने ब्यूट टू इन, टू ब्यूटिन। इसका मतलब इसका फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, देखो मैंने सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री, ये वाला जो यौगिक होता है इसको बोलते हैं ब्यूट टू इन। अब ब्यूट टू इन इसका मतलब ये तो कैसा सूत्र अपने आप में बेसंग्रित संरचनात्मक सूत्र है, कुछ सिग्मा बंधों को तो यहाँ पे क्या कर रहा है दिखा रखा है और कुछ सिग्मा बंधों को क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे छुपा रखा है। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, एक संग्रहित संरचना सूत्र। अब इस संग्रहित संरचना सूत्र को मैं किसमें कन्वर्ट करना चाहूंगा, आबंध रेखा सूत्र में, जिसको मैं कैसे टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों के द्वारा। देखो यहाँ से सी एस थ्री है तो मैंने यहाँ से ये सी एस थ्री के बाद में क्या है सी है जी सी एस थ्री, यहाँ पे वन टू थ्री फोर कार्बन है, देखो वन टू थ्री फोर चारों कार्बन। अब देखो यहाँ पे सी एस थ्री है, ये कार्बन ले रहा एक बॉन्ड बना रखा है, तीन फ्री है, फ्री पर कौन जुड़ते हैं हाइड्रोजन, ये क्या आपका सी एच, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड लगा ना, ये डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, ये क्या है सी एच। तो यानी कि ये आपका सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री, इसी को मैं इस प्रकार से दर्शा सकता हूँ। यानी एक एकल बॉन्ड एक एकल बंध को क्या दर्शाया जाता है, एक रेखा के द्वारा। डबल बॉन्ड को कैसे दर्शाएंगे अपन, दो रेखाओं के द्वारा। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको कैसे दर्शाया जाता है, तीन रेखाओं के द्वारा। ट्रिपल बॉन्ड को कैसे दर्शाया जाता है, तीन रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्लियर है, ऐसे मैंने लिखा टू नेक्स्ट टू मेथिल वन थ्री ब्यूटा डाइन, टू मैथिल वन थ्री ब्यूटा डाइन। इसका मतलब मैंने इसका टू मैथिल वन थ्री ब्यूटा डाइन का फॉर्मूला इसको मैं संग्रहित सूत्र में कैसे लिखूंगा, टू मैथिल वन थ्री ब्यूटा डाइन वन टू थ्री, तो वन थ्री वन टू थ्री देखो वन टू थ्री वन थ्री, इसका मतलब टू पे किधर भी कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एस थ्री टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एस टू डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री, यहाँ पे क्या लग जाएगा एच, यहाँ पे क्या जाएगा आपका सी एच, यानी कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एस, यानी इस वाले यौगिक को मैं कैसे लिख दूं, वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर वन थ्री वन टू, इसकी टू पोजीशन पे मैंने क्या जोड़ दिया, मैं इस प्रकार से दर्शा दूं, ये वाला कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड संग्रहित सूत्र को मैंने किस के रूप में जिगजैग लाइन के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये वाले जो फॉर्मूले है वो कैसे फॉर्मूले कहलाते हैं, आबंध रेखा सूत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से मेरे कोई साइक्लिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन है, बेंजीन C6H6, इसको मैंने कैसे लिख दिया, इस प्रकार से साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका आबंध रेखा सूत्र। इसी प्रकार से मैंने साइक्लोहेक्सेनोल लिखा, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल का मतलब यहां पे क्या होता है, इस प्रकार से। तो ये भी क्या है आपका, आबंध रेखा सूत्र। यानी कि कार्बनिक यौगिक के जो संरचनात्मक सूत्र है उसको टेढ़ी-मेढ़ी लाइन के रूप में यदि दर्शाते हैं तो फिर कैसा सूत्र कहलाएगा, आपका संघनित संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।